दोनों को, नीचे उतरो दोनों। ये तुमने आते में पूरे सोफे की कवर खराब कर दी है। अभी दोनों तुम दोनों जने सारे साफ करोगे। अभी तो आंटी गई है पूरा झाड़ू पोछा करके। तो उसके पैर पे पैर दे दिया तुमने ना। कौन सा छुट्टी? परी परी नहीं करना बेटा, पूरा सोफे का कवर बाहर निकल रहा है। देख पूरे सोफे का नीचे होता। अभी के भी सही कर, अभी के भी सही कर, नहीं तो मैंने कह रखा है ना विहान। अब तो रुक, तेरे को वहीं चिपकाती हूँ, रुक जा। उधर नीचे उतर, नीछे उतर। वो गणपति फेस्टिवल 9 तक है और 12 से तुम्हारे एग्जाम है, टर्म एग्जाम है। हाँ वो कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलने वाली है, पढ़ना है। हाँ कल ड्राइंग कंपटीशन है मंदिर में, तो तुम तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दिन है आज मंगलवार, तो चलिए शेयर कर देती हूँ सबसे पहले कि आज की वीडियो में आपको क्या क्या स्पेशल देखने मिलेगा। तो तीन चीज़ें आपको आज के वीडियो में बहुत ही स्पेशल देखने मिलेगी। फर्स्ट तो ये, ठीक है। अब आपको तीन चीज़ें होगी, फर्स्ट चीज़ तो इसी से रिलेटेड है। सेकंड चीज़ है, मैं आपके साथ में शेयर करूंगी नमकीन की रेसिपी, जो बिल्कुल मार्केट में मिलती है ना रतलामी सेब, तो उसकी रेसिपी हरी मिर्च से बनाऊंगी और हरी मिर्च से नमकीन एकदम कुरकुरी से नमकीन कैसे बनाते हैं, तो वो शेयर करूंगी। तीसरी चीज होगी कि वो है आरती थाली डेकोरेशन, तो वो भी मुझे करना है। क्यों करना है तो वो भी मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताती रहूँगी। तो तीन चीज़ें आज आपके आपको मेरे वीडियो में देखने मिलेगी। व्यान क्यों छेड़ता है उसको? मम्मा सुनो ना, तेरे को बड़ा मजा तो तुम दोनों एक मिनट नहीं हो तो लड़ जाते हो। तुम लोग बस में कैसे साथ में बैठते होंगे इतनी देर? हम लोग बैठते ही नहीं नहीं साथ में तो नहीं बैठते, बट एक ही बस में तो होते। परी वो पूरा प्लग बाहर निकल जाएगा ऐसा लग रहा है। चल ठीक है परी। अरे भाई परी परी को भी तो मौका दे दे। क्यों मारा? नहीं बॉटल नहीं फेंकनी, बॉटल नहीं फेंकनी, बॉटल स्टील की है। विहान ओवर एक्टिंग कर रहा, मार पड़ेगी भी तेरे को। तो ये परी मैडम गुस्सा करती हुई, परी का मुंह देखो 2 की जगह 4 किलो का हो गया। मैं कुछ पानी नहीं पिया। अच्छा जैसे पानी कुछ नहीं पिया। परी पानी कैसे बोतल के अंदर है? परी तो पानी पूरा नहीं पीती है, मैं मैम को कंप्लेन कर दूंगी तेरी छुट्टी। देखो ये पानी इतनी, तुम लोग सुबह जाते हो 6:30 6:40 पे और अभी तुम आते हो 1:30 पे, तब तक पानी की इतना पानी पीना नहीं चाहिए इधर को। मैं मैम को कंप्लेन करूंगी फोन। ध्यान में बात कर रही हूँ ना, सही करो। बोतल का ढक्कन खुल जाएगा, पानी गिर जाएगा। पानी है नहीं अंदर तो होगा। है नहीं तो गिरेगा। परी घुस दिया गई। मम्मा मम्मा एक आपके लिए खुशखबरी और मेरे लिए दुखखबरी है। दुखखबरी? दुखखबरी ये क्या होता है? दुखखबरी भाई नया इन्वेंशन, नए वर्ड का इन्वेंशन किया है विहान ने, खुशखबरी का अपोजिट दुखखबरी। विहान तो साइंटिस्ट बन गया। मम्मा हाँ जी, मैंने कहा असेंबली में गवर्नमेंट न्यूज़ दी थी ना असेंबली ओवर एंड रहा तो। अच्छा मैं तुमको बताऊँ मैंने आज तुम लंच के अंदर क्या बनाया है। अच्छा तुमको घर में घुसते में खुशबू आ जाती है ना? हाँ। अरे यार मैं इतना अच्छा क्यों बनाती हूँ, घर में घुसते में खुशबू क्यों आती है? मेरी बात तो सुनो। हाँ सुनाओ। असेंबली में गवर्नमेंट आया है तो उसकी न्यूज़ मुझे बतानी पड़ी। तो चलिए ये बच्चों की मस्तियाँ चलती रहेगी। और इधर लंच में मैंने बनाया था इडली सांभर, मुझे एक्चुअली बच्चों को देना था सरप्राइज़, लेकिन बच्चे जैसे ही घर के अंदर घुसे तो जो सांभर की स्मेल होती है, मतलब जो खुशबू होती है, वो इतनी ज़्यादा पूरे घर के अंदर फैल जाती है कि छुपाए छुपती नहीं है। तो जैसे ही वो घर के अंदर घुसे और घुसते में सबसे पहले विहान का जो नाक है ना वो इतना ज़्यादा तेज है, उसने सबसे पहले मुझे बोला कि मम्मी आज इडली सांभर बनाए क्या? तो मैंने खैर उसको एक बार तो ना बोल दिया कि नहीं वो नहीं बनाया, कुछ और बनाए। लेकिन फिर बाद में वो किचन में आया और फिर जो सामान पड़े हुए थे तो उसे देख के तो उसको पता चल ही गया कि इडली सांभर बना है। तो आज हुआ क्या था कि सब्जियां बहुत ज़्यादा थी नहीं और फिर कुछ मतलब रोटी सब्जी खाने का मन नहीं था, तो आज फिर मैंने इडली सांभर ही बना दिया। और ऐसा खैर कभी होता ही नहीं है, इडली सांभर और इस तरह की जो चीज़ें होती ना वो मेरे घर के अंदर हमेशा शाम के टाइम पर बनती है, सुबह के टाइम पर मतलब बहुत ही रेयर केस में होता है कि बनती है, जैसे कि आज बनी है। तो बस जल्दी से, और अच्छा हाँ मुझे थोड़ा काम जल्दी निपटाना भी था तो फिर मैंने इडली सांभर ही रख दिया। तो अभी बस जल्दी से बच्चों को सर्व कर दूंगी और इधर जैन साहब वो भी आ गए थे तो फिर सब जो सब लोग हैं ना साथ में ही खाना खा लेंगे। तो
ये लीजिए हमारा बहुत ही सिंपल सा लेकिन टेस्टी सा लंच तैयार है। थाली तैयार है, इडली रखी है, सांभर रखा है और साथ में रखा है मैंने लड्डू। तो ये गणेश चतुर्थी के हिसाब से मैंने बनाया था, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ में चैनल पर ऑलरेडी शेयर की है। तो कल एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप किचन क्लीनिंग के अंदर जो ऑरेंज लिक्विड लेते हो वो कौन सा है, तो ये वाला लिक्विड है जो मैं डीमार्ट से लेकर आती हूँ। और मैंने खैर मेरा जो डीमार्ट का होल वीडियो था उसके अंदर भी शेयर किया था, बाय वन गेट वन आता है। और शुरू से ही जब ये घर में जो झाड़ू पोछा वगैरह होता है पोछे के अंदर, वहाँ पर भी मैं यही लिक्विड का यूज़ करती हूँ और किचन क्लीनिंग के अंदर भी। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये वो चीज़ है जो कि मैं घर में पर्सनली कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। कम से कम 4 साल तो मुझे हो गए हैं जब इसकी रेट थी 99 रुपीज़ और अब इसकी रेट हो गई है 155। और 155 में आपको बाय वन गेट वन यानी कि 155 में आपको 1 लीटर की 2 बॉटल्स मिलती है। ठीक है, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो चलिए अब तैयारी कर लेते हैं नमकीन बनाने की। तो पूरे ही मेज़रमेंट के साथ में मैं आपको नमकीन बनाना बताऊंगी और मेरी कोशिश यही है कि आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओ, रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो मैं पूरा 1/2 किलो बेसन ले रही हूँ और इस तरह का मेरे पास में वेइंग स्केल है, तो उसके ऊपर मैं मेज़र करके ही चीज़ें लेती हूँ ताकि चीज़ें जो है वो एकदम परफेक्ट बने। स्पेशली नमकीन और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जिसमें मसाले या नमक थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो फिर टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यदि आपके पास में मेजरिंग स्केल नहीं है इस तरह का, तो आप किस तरीके से कटोरी और चम्मच के नाप से भी आप एकदम परफेक्ट और कुरकुरी सी नमकीन बना सकते हैं। तो इधर मैंने पूरा ही 1/2 किलो बेसन ले लिया है, नॉर्मल जो बेसन अपने घर के अंदर होता है वही मैंने बेसन लिया है। और अब हम इसके अंदर जो चीज़ें डालने वाले हैं तो वो भी मैं मेज़रमेंट के साथ में ही लूँगी। तो बेसन जो है वो अगर आप कटोरी के नाप से लेंगे तो पूरे ही 5 से 6 कटोरी मैंने बेसन लिया है। और अब होता है कि 1 किलो यदि आप बेसन लेते हैं तो उसमें 30 ग्राम नमक गिरता है, तो मैंने आज 1/2 किलो बेसन ही लिया है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 15 से 16 ग्राम नमक जो है वो लेना है। तो नमक जो है वो आपको बहुत ही ध्यान रख के लेना है, बिल्कुल भी नमक की मात्रा जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर नमकीन का टेस्ट जो है वो बिगड़ जाएगा, आपकी मेहनत जो है वो पूरी पानी में चली जाएगी। तो पूरा मैंने 15 से 16 ग्राम जो है वो नमक लिया है और चम्मच से यदि नाप के बताऊँ तो 1 पूरा चम्मच भर के नमक है और उसके बाद में 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि आप 1 और 1/2 चम्मच के आधा चम्मच उन दोनों के बीच का मेजरमेंट कह सकते हैं यानी कि 1/4 चम्मच। तो पूरा ही आपको लगेगा 1 चम्मच पूरा भर के और फिर 1/4 चम्मच, तो इतना नमक आपको डालना है उसके अंदर। और अब बारी आती है पूरा बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट की, वो है मोयन। तो मोयन जो है वो आपको डालना है, 1 किलो बेसन में पूरा 80 ग्राम तेल लगता है, तो मैंने 1/2 किलो बेसन लिया है तो उसके अकॉर्डिंग 41 ग्राम मतलब है, यानी कि आप 1 से 2 ग्राम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली नमक जो है उसका आपको खास ध्यान रखना होता है। तो चलिए अब बारी आती है दूसरे सूखे मसाले की। तो अब आगे जो चीज़ें डाल रही हूँ उसका कोई मतलब परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं है, मैंने लौंग लिया है कम से कम 12 से 15 लौंग और काली मिर्ची मैंने ली है 1 से 1.5 चम्मच। तो ये जो क्वांटिटी है वो आप आपके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो नमकीन मैं बना रही हूँ वो है रतलामी सेव जो थोड़ी स्पाइसी रहती है। तो बस सभी चीज़ें जो है वो मैंने ले ली है और उसके बाद में मैंने इसको किया है एकदम कोर्सली ग्राइंड यानी कि एकदम दानेदार सा, यानी बहुत ही ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है और बड़ा भी नहीं रखना है। और जब उसको मैंने एकदम दानेदार सा पीस लिया तो उसके बाद में मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच अजवाइन, और अजवाइन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नमकीन के अंदर और साथ में अपने डाइजेशन को भी बढ़ाता है, तो ज़रूर डालें। और उसके बाद में मैंने सिर्फ मिक्सर को 1 बार चलाया यानी कि पाउडर नहीं बनाना है अजवाइन का, नहीं तो फिर अजवाइन यदि उसका पाउडर बना देते हैं तो फिर वो थोड़ा सा कड़वा टेस्ट देता है, तो उसको भी आपको दरदरा सा पीस लेना है। तो सभी चीज़ें मैंने दरदरी ग्राइंड कर ली है, सभी चीज़ों को मैंने बेसन के अंदर मिला दिया है। और अब अगेन बारी आती है एक मेन इंग्रेडिएंट की, तो वो है हींग। तो बेसन की कोई भी यदि आप चीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर हींग ज़रूर डालें, टेस्ट तो बढ़ता ही है साथ में वो आपके डाइजेशन को भी हेल्प करता है। तो 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर डाला है हींग, तो कोई भी हींग आपके पास में जो भी है वो आप डाल सकते हैं, मेरे पास में जो अवेलेबल था वो मैंने डाला है। अच्छा, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि मैं हरी मिर्ची से बनाऊंगी नमकीन, तो मैंने ले ली है पूरी 100 से 150 ग्राम हरी मिर्ची और बिल्कुल तीखी वाली हरी मिर्ची लेनी है आपको, कम तीखी वाली नहीं लेनी है। यदि आप कम तीखी हरी मिर्ची लेंगे तो आपको फिर ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी और ज़्यादा क्वांटिटी में यदि हरी मिर्ची का यूज़ करेंगे तो फिर आपकी नमकीन जो है वो उतनी
कुरकुरी नहीं बनेगी। तो मैंने 150 ग्राम हरी मिर्ची ले ली है और उसके बड़े बड़े से पीस करके मिक्सर के ग्राइंडर में डाल दिया है। और अब उसके अंदर डाला है थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, आपको इस नमकीन का जो डो बनाएंगे यानी कि आटा लगाएंगे उसके अंदर आपको 1/4 ग्लास पानी का यूज़ करना है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। तो मैं इस मिर्ची को पीसने के अंदर जो पानी डाल रही हूँ वो उसी गिलास के मेज़रमेंट से डाल रही हूँ, यानी कि मैंने 1/4 ग्लास पानी स्टार्टिंग में ले लिया था और फिर थोड़ा थोड़ा पानी, उसी पानी को मैं थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो इस मिर्ची में ऐड करती जा रही हूँ और मिर्ची का एकदम बारीक पेस्ट बना दिया। और उसके बाद में पेस्ट बनाने के बाद में जो पानी बचा हुआ था वो भी पानी मैंने उसके अंदर डालकर अच्छे से चला लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल 1/4 ग्लास पानी का यूज़ करना है, चाहे आप पेस्ट बनाओ चाहे आप डायरेक्ट बेसन के अंदर डालो। और उसके बाद में इस तरीके के स्टेनर के अंदर मैं सारे ही पेस्ट को छान लूँगी। उससे क्या होगा कि जो मिर्ची का एकदम तीखा वाला पानी है वो नीचे निकल जाएगा और बाकी जो मिर्ची है वो ऊपर रह जाएगी। तो जो पानी हमको इस पानी का ही यूज़ करना है, मिर्ची का यूज़ इस नमकीन के अंदर नहीं करना है। तो बिल्कुल दबा दबा के मैंने बिल्कुल जितना भी पानी उस मिर्ची के अंदर है वो निकाल दिया है ताकि पूरा तीखा पानी जो है वो अलग हो जाए। और जो ऊपर मिर्ची बची है उसको हमको फेंकना नहीं है, उसका क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। अब क्या करना है कि सेम ग्राइंडर के अंदर जो हमने मिर्ची का पानी बनाया वो ले लिया है और उसके बाद में जो हमने मोयन के लिए तेल मेज़रमेंट से लिया था 40 ग्राम वो भी उसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद में उसको अच्छे से फेंट लेंगे मिक्सर के अंदर। और फेंटने के बाद में ये बिल्कुल जैसे कि गन्ने का जूस का टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल वही टेक्सचर बन गया है। लेकिन आप गन्ने का जूस समझ के उसको पी मत लेना, नहीं तो फिर आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये तो एक जस्ट जॉक था। और अब जो चीज़ें हमने डाली है बेसन के अंदर, तो उसके पहले मैंने हाथ के ऊपर थोड़ा सा लगा दिया है तेल। और तेल इसलिए लगाया है क्योंकि हम इस मिर्ची के पानी का यूज़ कर रहे हैं डो बनाने के लिए, तो फिर हमारा हाथ जो है उस पर थोड़ी सी जलन होगी। तो उस जलन को बचाने के लिए मैंने हाथ के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दिया है। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। और अब जितने भी सूखे मसाले हैं उसको बहुत ही अच्छे से बेसन के अंदर मिक्स कर देंगे ताकि पूरे ही बेसन के अंदर उन मसालों का, हींग का और अजवाइन का, उन सबका अच्छे से टेस्ट आ जाए। और अब थोड़ा थोड़ा सा हम जो हमने मिर्ची का पानी बनाया है वो डालते जाएंगे और डो तैयार करेंगे। अच्छा, इस टाइम पे आप सोच रहे होंगे कि हम वीडियो को स्किप कर दें क्योंकि ये तो डो ही लगा रही है श्रद्धा, लेकिन ये जो डो है वो बिल्कुल रोटी वाला या फिर जो पूड़ी बनाते हैं वैसा डो नहीं है, बिल्कुल अलग तरीके का डो इसके अंदर लगता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और मैंने भी कोशिश करी है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को एडिट ना करूं ताकि आप अच्छे से नमकीन बनाना सीख जाए। आज आप इस वीडियो पे आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीख के ही जाए। फ़न के साथ में यदि आप कुछ चीज़ें सीखेंगे मेरे से तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ मैं वीडियो बनाने में, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आप सीख रहे हैं। और यदि आपका कोई सजेशंस है तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में दें ताकि मैं भी कुछ चीज़ें आपसे सीख के जाऊँ। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके का डो जो है वो आपको तैयार करना है। बिल्कुल गीला गीला सा है, चिपचिपा सा है, और चिपचिपा तो है, हाथ पे चिपक भी जाता है ये क्योंकि बेसन है। लेकिन आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छे से उसको फेंटना है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि वो बेसन जो है वो हाथ पे बहुत चिपकता है। आप चाहें तो इस तरीके के फेस जो फ्लैट स्पैचुला होता है ना उससे आप हाथ को साफ़ करते जाइए और कम से कम 1 मिनट तक आपको बेसन को बहुत ही अच्छे से फेंट देना है ताकि सभी मसाले, तेल बेसन के अंदर मिल जाए और बेसन थोड़ा सा लाइट हो जाए। तो इससे हमारी नमकीन जो बनेगी ना वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। तो इस तरीके से, मतलब मेरे तरीके से नमकीन कौन कौन ट्राई करता है घर पर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा, नमकीन बनाने के लिए मैं इस तरीके के जारे का यूज़ कर रही हूँ। ये स्पेशल नमकीन बनाने के लिए ही मिलता है मार्केट में, हर जगह अवेलेबल होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता। यदि आपके पास में इस तरीके का जारा नहीं है तो जो चकली बनाने की जो मशीन होती है ना, जिसके अंदर 10 से 12 जालियां होती है, उसके अंदर नमकीन बनाने की जालियां भी होती है। हर तरीके की, मतलब हर तरीके की साइज की नमकीन बनाने की जालियां उसके अंदर रहती है। बारीक जाली भी होती है, मीडियम भी होती है, बड़ी भी होती है। तो आप उसके अंदर नमकीन बना सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके अंदर जो आटा लगेगा यानी कि ये बेसन का जो डो बनता है ना वो थोड़ा सा और टाइट बनता है। और बस अब करना कुछ नहीं है। कढ़ाई के अंदर मैंने तेल रख दिया है, तेल जो है वो अच्छा गर्म है और उसके ऊपर मैंने रखा है जाला। और फिर थोड़ा थोड़ा सा डो लेते जाना है और इस तरीके से फैलाना है।
लेकिन थोड़ा सा ये रिस्की होता है, मेरी तो कई साल की प्रैक्टिस है। होता क्या है कि यदि आप इस तरीके के जाले पे नमकीन बना रहे हैं तो आपको दो जनों को मिलके बनानी चाहिए। एक जना इस कढ़ाई को पकड़ने का काम करेगा और दूसरा जो है वो इस तरीके से बेसन के डोग को जाले के ऊपर फैलाने का काम करेगा। क्योंकि होता क्या है कि आप जैसे ही प्रेशर लगाते हैं तो उस प्रेशर से वो कढ़ाई थोड़ी सी हिलती डुलती है, तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। तो आप यदि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप दो जने मिलकर बनाएं, और यदि आपके पास में इस तरीके की जारा नहीं है तो आप जो चकली बनाने की मशीन होती है उसके अंदर भी बना सकते हैं। खाली आप थोड़ा सा बेसन का डो है वो थोड़ा टाइट लगाएं, और जो ये जाला होता है इसके ऊपर जो नमकीन बनती है वो थोड़ी सी मशीन के कंपैरिजन में कुरकुरी बनती है। तो मुझे यही वाला जो जारा होता है वो बेस्ट लगता है। रिस्क तो है लेकिन मेरी थोड़ी प्रैक्टिस है और मैं थोड़ी आराम से बना रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी पूरी नमकीन जो है बहुत ही आसानी से बन गई और बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी नमकीन बनाने का, लेकिन मतलब मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था, और फाइनली आज मेरा मुहूर्त आ गया है नमकीन बनाने का। और बहुत ही कुरकुरी सी नमकीन बनती है। आप एयर टाइट डब्बे में भर के रखें, महीने भर तक नमकीन जो है वो कुरकुरी सी बनी रहेगी और बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। और अच्छा, ये जो नमकीन होती है ना वो थोड़ी टेस्टी भी लगती है, क्योंकि वो हमने मतलब मेहनत से बनाई है पूरी, मतलब जो चीज़ें हैं वो सारी हमने घर पे ही बनाई है, मसाले भी घर पे तैयार किए हैं, तो नमकीन काफ़ी टेस्टी लगती है। तो पूरी आधा किलो बेसन की नमकीन बनाने में मुझे पूरा 1.25 घंटा लगा था, और 1.25 घंटा में पूरी डिब्बा भर के, मतलब बड़ा जो 5 किलो का डिब्बा होता है ना वो पूरा भर कर नमकीन बनी थी। तो बहुत ही मतलब ईजी वे होता है घर पर नमकीन बनाने का, 1.25 घंटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और नमकीन तो बन गई है, और उसके बाद में जो किचन के अंदर तूफान मचा है वो देख लो। तो इतना तूफान मचता ही है नमकीन बनाने के अंदर, क्योंकि जारे से बनाते हैं और इतना जल्दी जल्दी काम करना होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मेस हो जाता है। लेकिन हाँ, खुशी इस बात की है कि नमकीन जो है सक्सेसफुली बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही कुरकुरी बनी है, कलर कितना अच्छा है आप देखो। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, बाहर की जो आप नमकीन खाते हैं ना बड़ा आसान होता है लेकर आना। आप 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया उस नमकीन के ऊपर खर्च करते हैं और खा भी लेते हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा इस नमकीन को खाने में आएगा, क्योंकि ये आपकी खुद की मेहनत से बनी होगी। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और बच्चों को मैंने टेस्ट कराई तो बच्चे तो फ़ैन है कि घर की जो नमकीन होती है ना उसके, क्योंकि बिल्कुल रियल टेस्ट होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल घर का। और इवन मैं तो आटा चक्की भी घर पे ही है तो घर का ही बेसन पिसा हुआ है, घर के मसाले हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का टेस्ट होगा। तो चलिए, ये तो हो गई नमकीन की बात, और अब करते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तैयारी। तो उसके पहले थोड़ा सा किचन, मतलब थोड़ा सा इतना सा जो पार्ट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इतना ही पार्ट जो है वो मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी, ताकि आगे मुझे वेफर वगैरह बनानी है ना तो उसमें फिर प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, उसके पहले मैं इस तेल को है ना चेंज करूँगी, क्योंकि फिर जो वेफर है वो मतलब व्रत में तो खैर खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं बनाऊँगी बिल्कुल फ्रेश तेल के अंदर, इस तेल के अंदर नहीं बनाऊँगी, तो ये तेल भी मैं चेंज करूँगी। तो आप भी सोच रहे होंगे ना कि पहले वेफ़र बना देते थे फिर ये बनाते, लेकिन हाँ, क्योंकि वेफ़र बनाने में भी पूरे 3 किलो केले हैं ना, तो उसके वेफ़र बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो फिर वो वाला तेल जो है ना, उस तेल के अंदर यदि मैं नमकीन बनाती थी तो फिर टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दोनों अलग अलग ही तेल के अंदर बना देते हैं, तभी नमकीन बन गई है। थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं वेफ़र बनाना। तो ये जो बनाना है ये देखो, साइज़ में एकदम डबल जो नॉर्मल केले जो मिलते हैं मार्केट के अंदर, डबल साइज़ के केले हैं, और इन केलों को कहते हैं मद्रासी केले। तो स्पेशल ये सिर्फ वेफर के लिए ही मिलते हैं, और अंदर से यदि मैं आपको, अच्छा जब मैं ये केले लेकर आई थी तब ये बिल्कुल ग्रीन कलर के थे, बिल्कुल जैसे डार्क ग्रीन होता है ना वही, लेकिन ये एक दिन के अंदर पक्के इस तरह से हो गए हैं, लेकिन दिख रहे हैं पके हुए, बहुत ज़्यादा पके नहीं हैं, मतलब एकदम गीले गीले से नहीं हुए हैं। तो यहाँ से दिखा रही हूँ तो ये अंदर से इस तरह से आपको एकदम लाइट क्रीम कलर के दिख रहे हैं, लेकिन इसकी जो वेफर बनती है वो बिल्कुल येलो कलर की बनती है, जो कि आप मार्केट के अंदर जनरली मिलती है ना। तो ये तो खैर वेफर जब मैं बनाऊंगी तब आपको पता चल ही जाएगा। तो वेफर बना, तो कढ़ाई के अंदर मैं ले रही हूँ बिल्कुल फ्रेश तेल, और फ्रेश तेल के अंदर जो वेफर बनती है ना उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा भी आता है। और उसके बाद में मैंने 2 केले एक बार के छील लिए हैं, और उसके पहले मैंने एक कटोरी के अंदर सोल्यूशन बना रही हूँ नमक और पानी का, और इसी सोल्यूशन से हमारी जो वेफर है उसका टेस्ट बढ़ने वाला है। किस तरीके से बढ़ेगा वो आप आगे देख लेना, मतलब देखना ज़रूर, क्योंकि ये हो सकता है कि सभी को ये चीज़ नहीं पता हो। और उसके बाद में जब तेल बहुत एकदम धुएँदार गर्म नहीं करना है,
मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने तेल गरम किया और उसके बाद में डायरेक्ट मैं तेल के अंदर ही इस तरीके से वेफर डाल रही हूँ। तो इस तरीके से वेफर डलती है ना तो जो वेफ़र होती है वो काफ़ी अच्छी बनती है, कुरकुरी बनती है और एक वेफ़र दूसरी वेफ़र के चिपकती नहीं है। आप चाहें तो पहले प्लेट के अंदर बना के और फिर कढ़ाई में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो तरीका थोड़ा कम समझ में आता है क्योंकि उससे काम थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, उसके पहले मैंने जैसे ही वेफ़र को कढ़ाई के अंदर डाला और डालने के बाद में मैंने जो सॉल्यूशन बनाया था तो एक चम्मच भर के सॉल्यूशन मैंने कढ़ाई की चारों तरफ किनारी किनारी पर अच्छे से डाल दिया है और इससे वेफ़र हमारी कुरकुरी भी बनेगी और साथ में वेफ़र के ऊपर जो नमक का टेस्ट आना चाहिए वो भी अच्छे से आ जाएगा। तो ये आप स्टेप ज़रूर फॉलो करें। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आप प्लेट के अंदर यदि बना के फिर वेफ़र को कढ़ाई में डालते हैं तो काम आपका डबल हो जाता है क्योंकि प्लेट के अंदर आप वेफ़र डालते हैं ना तो केले थोड़े चिकने से होते हैं तो जो वेफ़र होती है वो आपस में चिपक जाती है, फिर आपको उसको अलग अलग करके फिर कढ़ाई में डालना होता है। तो मुझे वो स्टेप थोड़ी कम समझ में आती है तो मैं एक बार आपको ये तरीका भी करके बता रही हूँ। और ये खैर मैंने आपको बताने के लिए किया था, मैंने सारी वेफ़र जो है वो डायरेक्ट कढ़ाई में डाल के ही बनाई थी और जब मैंने इस तरीके से प्लेट के अंदर बनाई थी तो सारी की सारी आप देख सकते हैं चिपक गई है वो। और फिर जब मैंने कढ़ाई के अंदर डाली थी तो मैंने बहुत कोशिश करी थी उन सबको सेपरेट करने की, लेकिन फिर वो मतलब कोई कोई थी ना वो चिपक भी गई थी तो फिर वो कुरकुरी नहीं बनी थी। तो फिर मुझे ये वाला स्टेप थोड़ा कम समझ में आया था तो मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाल के ही बनाई थी। तो ये लीजिए पूरी, मतलब मुझे ये वेफ़र बनाने में कितना 1 से 1.5 घंटा लगा था और 1 से 1.5 घंटे में पूरे 3 किलो की वेफ़र जो है वो एकदम कुरकुरी सी वेफ़र बनकर तैयार हो गई। तो एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करें। तो ये जो वीडियो है वो गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले का है जब सभी लोग घर के अंदर गणपति विराजमान करने के लिए लेकर आते हैं और बहुत ही गाजे बाजे के साथ में बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा तेज़ ढोल की आवाज़ आ रही थी, मतलब रात को 12 बजे तक आवाज़ आ रही थी क्योंकि सभी लोग अपने घर के अंदर गणपति की स्थापना करते हैं और इसी तरीके से लेकर आते हैं। तो ये जो वीडियो है वो उस दिन का है और बहुत ही लेट मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अच्छा, दो चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है और एक आरती की थाली की जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैं आपको इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप आगे वाला वीडियो ज़रूर देखें।